फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मण, आपका DSS कोच। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम हर बैच के अंदर लोगों को इंट्रोड्यूस कराते हैं आप लोगों के साथ में, जहां पर हमारे इस संडे के बैच में, ठीक है, ये हमारा संडे का स्पेशल फास्ट ट्रैक बैच होता है जिसको आप भी लोग ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन अभी फिलहाल ये बैच हमारा फुल हो चुका है, इसी वजह से मैंने सोचा क्यों ना इस पर्टिकुलर बैच का हम एक वीडियो बनाकर आप लोगों को बता सके कि ये सारे जितने भी लोग हैं हमारे, ये कहां से ट्रैवल करके आते हैं यहां पर और इन लोगों ने अभी तक क्या क्या सीखा है। आज मैं आप लोगों को एक एक व्यक्ति से मिलाने वाला हूं और वो सारी चीजें बताऊंगा। ऑलराइट, तो चलते हमारे एक एक स्टूडेंट के पास में और उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले यहां पर हम आते हैं। ऑलराइट, तो पहले तो आप अपना नाम बताइए हमारे ऑडियंस को कि आप कौन हो और कहां से आए हो और अभी तक आपने क्या क्या सीखा है उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करिए। मैं अनिकेत ठाकरे हूं, मैं करजत से आता हूं। ओके, अभी मैंने यहां पे बहुत कैमरे के बारे में सब कुछ देखा सुना है, बहुत कर DVR कैमरा SMPS हार्ड डिस्क क्या होता है इसके बारे में सब कुछ यहाँ पे जानकारी मिलती है। ओके, और आप मुझे बताइए कि अभी तक जो आपका एक्सपीरियंस है, ठीक है, अभी आपने कुछ क्लासेस आपने हमारे अटेंड किए, राइट, तो उसका एक्सपीरियंस थोड़ा एक्सप्लेन करिए कि आपको कैसा सारी चीज़ें लगी है। मुझे यहाँ पे अच्छा बहुत सेटिस्फेक्शन हुआ है, मैं यहाँ पे बहुत कुछ सीखा हूँ आज तक, ट्राई किया है मैंने यहाँ पे TV के यहाँ पे ट्रायल लिया है। ओके, बहुत अच्छा लगा। ओके, अच्छा दूसरा चीज़ क्या है कि आप संडे टू संडे में रेगुलर आ रहे हो, राइट, तो आप कहाँ से अप डाउन कर रहे हो, आपने बताया लोकेशन? मैं करजत से आता हूँ। ओके, देखिए ये करजत से आते हैं, ठीक है, तो कम से कम 3 से 4 घंटे लगते हैं यहाँ पर मुंबई में, यहाँ पर एग्जैक्ट हमारे लोकेशन पर आने के लिए, ठीक है, और बहुत कंसिस्टेंटली रेगुलर बेसिस पर ये ज्वाइन करते हैं हमारे क्लास को और अच्छी तरीके से प्रैक्टिकल और सारी थियोरीज को ये अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। आई होप कि आपको सब चीज़ें समझ में आ रही क्लियरली। ऑलराइट, थैंक यू सो मच हमारे इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करने के लिए। ऑलराइट, चलिए अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट के पास में। सबसे पहले आप बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपक मोरे है। ओके, मैं कल्याण से आता हूँ। ओके, कल्याण से आते, देखिए ये भी काफ़ी लंबे से आते हैं, यानी कि अगेन इनको 3 से 4 घंटे लगते होंगे आपको आने के लिए अप्रॉक्स। और 3 घंटा पूरा लगता है इनको यहाँ पर आने के लिए। तो आप बताइए थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए, क्योंकि आपने भी काफ़ी लेक्चर्स हमारे अटेंड किए, कैसा आपको लग रहा है और ज्वाइन करने के बाद में आपका कितना परसेंट हम प्रैक्टिकल सिखाते हैं? बहुत से लोगों को लगता है कि नहीं हम खाली थियरी लेते होंगे, ठीक है, तो थोड़ा सा आप रिव्यू दोगे तो समझ में आएगा लोगों को। और यहाँ पे तो ज़्यादातर प्रैक्टिकल का ही ट्रेनिंग होता है, इससे हम करेंगे तो हमको लगता है कि वो हम मतलब काम कर सकते हैं। ऑलराइट, और पूरा मैटर मतलब पूरा अपने को डिवाइस का रहता है, पूरा स्पेयर पार्ट के बारे में पूरा अच्छी तरह से, और फील्ड पे क्या मतलब क्या प्रॉब्लम आ सकती है वो अभी यहाँ पे भी हमको सर बताते हैं। इसके वजह से क्या होता है कि हम लोग पूरे 100% यहाँ से तैयार होके ही बाहर निकलते हैं, ऐसा हमें अभी लग रहा है। अभी तक तो हमारा शुरुआत ही हुआ है, लेकिन बाद में जैसा जैसा आगे जाएगा हमारे को और कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ऑलराइट, और हम काम कर पाएंगे ये हमें अभी से लग रहा है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल फीडबैक एंड मोर पावर टू यू, ठीक है, हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बैठ जाइए। चलिए हमारे दूसरे स्टूडेंट के पास में आते हैं, ठीक है, और इनका परिचय ये खुद देंगे, ठीक है, बताइए आपके बारे में। मेरा नाम दिलीप चौहान है, मेरे खुद की इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म है, बी इलेक्ट्रिकल हूँ, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा अनुभव है। मैं यहाँ पे डिप्लोमा कर रहा हूँ और मोर वैल्यूज फॉर लेस मनी ऐसा मुझे 100% लगता है। यहाँ पे अभी फिलहाल तो अभी आज सुबह का अभी मॉर्निंग में हम लोग को CCTV में सीखा थे। मैं CCTV के बारे में इतना ही कहता हूँ, लोगों को लगता है कि मैं YouTube के ऊपर सीख के काम कर रहा हूँ, आधे नॉलेज पे आधा काम कर रहा हूँ। यहाँ पे आएंगे तो वायर CCTV बारीक बारीक चीजें सर सिखाते हैं। एक इंजीनियर होने के बाद जो सिखाने का उनका जो तरीका है वो भी जबरदस्त है सर। थैंक यू, आई एम वेरी हैप्पी यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद। पूरा डिप्लोमा में CCTV के साथ में बाकी के भी जो कोर्स आप हमको सिखा रहे, जैसे कि एक्सेस कंट्रोल अभी दोपहर में होने वाला है, वो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जो तरीका हम लोग जिंदगी जी रहे ना, अभी हर मॉल में ऑफिस में जाता हूँ ना तो मुझे देखता हूँ तो ये ऐसा होगा वैसा होगा सब हमने आपने हमको सिखाया। बाद में आपने EPBX का आप हमको अभी सिखाने वाले हो, फायर फाइटिंग का आपने सिखाया, स्मोक डिटेक्टर का सिखाया, IDS का सिखाने वाले हो, तो बहुत अच्छा अनुभव है सर।
थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आपका वैल्यूएबल फीडबैक देने के लिए। और मैं पर बताना चाहता हूँ ये अदानी में भी काम कर चुके हैं, ठीक है, यस यस, बीएसटी के अंदर ओके काम कर चुके हैं, तो इनका अनुभव इलेक्ट्रिकल फील्ड में काफी ज्यादा है, ठीक है। और इनको ये सारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सिस्टम होते हैं इनको एक्सप्लोर करना था, ठीक है, एट दी एज ऑफ, यानी कि एज देखो मैटर नहीं करता है, अगर आपको जीवन में कुछ सीखना है, ठीक है, तो आप किसी भी मोड पर किसी भी समय पर आप सीख सकते हो जैसे ये सीख रहे, राइट। और इनका परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा है, काफ़ी एक्टिव है, हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, और ये बहुत सारे वीडियोस भी बनाते रहते जिससे कि ये अपने जितने भी कम्युनिटी में इनके व्हाट्सएप में और बहुत सारे लोगों को ये अवेयरनेस देते हैं कि आप भी इस तरीके की चीज़ें सीख सकते हो और कर सकते हो, ठीक है। तो और इस चीज़ से मैं भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटेड हूँ, और इन ये काम करने के लिए मैंने इनको पहले परमिशन दे दिया है, ऑलराइट। तो थैंक यू सो मच, यस यस, मेरा नाम दिलीप है, दिल लिप जो दिल में वही लिप के बाद में कहता हूँ, उतना यहाँ पे जो आएगा वो खुश होके जाएगा और बहुत कुछ नॉलेज मिलेगा उसको। सो लक्ष्मण सर का जो नॉलेज है, बताने का जो तरीका है ना, इतने अच्छे टीचर मैंने पहली से लेकर आज तक जो इंजीनियरिंग बी किया है, एम ई किया है, नहीं मिला मुझे, जो प्रैक्टिकल बहुत बढ़िया सिखाती है और थ्योरी तो नंबर वन, बस इतना ही कहूँगा, कहाँ कहाँ से सारा दुनिया से नॉलेज लेके हमको दे देती है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ऑलराइट, एक बार इनके लिए ताली हो जाए, यस, ऑलराइट। तो हमारे पास में अब दूसरे स्टूडेंट, ठीक है, बताइए थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए हमारे स्टूडेंट को, कहाँ से आप आते हो और आपका नाम क्या है। मेरा नाम महालिंग नाइक है, मैं सिक्योरिटी फील्ड से बिलोंग करता हूँ, मैं विद्याविहार से अप डाउन करता हूँ। तो यहाँ पे मुंबई स्किल मुंबई में आपको सीसीटीवी फील्ड के बारे में या फिर जो डेस इंडस्ट्री है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सिस्टम इंडस्ट्री में जो आपको यहाँ पे सीखना है, तो यहाँ पे आपको बेसिक से पूरी सारी चीज़ें बताई जाती है। स्पेशली जो सारा कोर्स जो है हर एक लेवल में डिवाइड किया गया है, जैसे लेवल वन, लेवल टू, लेवल थ्री। जैसे कि इसमें बेसिक में आपको सीसीटीवी बारे में पूरा बेसिक नॉलेज दिया जाता है, क्या है सीसीटीवी, कैसे काम करता है, उसका हार्डवेयर सिस्टम क्या है, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है। उसके बाद में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम सिखाया जाता है, उसके बाद में आपको नेटवर्किंग में सिखाया जाता है। तो यहाँ से पूरी बेसिक जानकारी आपको परफेक्ट नॉलेज विथ प्रोफेशनल टीचर से आपको यहाँ पे सिखाया जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम लोग को थ्योरी भी बताई जाती है और हमको प्रैक्टिकल भी करवाया जाता है। और यहाँ पे हमने बायोमेट्रिक सीखा, फायर का सीखा अभी सी, और आगे और सारी चीज़ें हैं, सब्जेक्ट्स हैं जो सर कवर कर रहे हैं। जब तक कि कोई सब्जेक्ट क्लियर नहीं होता है, जब तक कि हर किसी स्टूडेंट का प्रैक्टिकल क्लियर नहीं होता है, तब तक हम सब जो हमारे प्रोफेशनल टीचर है, लक्ष्मण टीचर है, वो सब्जेक्ट आगे नहीं लेके जाते हैं। जब तक सबका जो क्वेश्चन है, जो डाउट है, क्लियर नहीं होते, तब तक हम आगे नहीं जाते। तो मुझे लगता है कि दिस इज द बेस्ट क्लासेस इन द मुंबई, जहाँ पे आप आके आप इस फील्ड में प्रोफेशनल अपना करियर बना सकते हो, आप यहाँ पे प्रोफेशनल बन के ही निकलोगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। मैं एक चीज़ और यहाँ पर ऑडियंस को बताना चाहता हूँ, जैसे अभी ये इतना फ्लुएंटली हमारे बारे में बता रहे हैं, अपना जेन्युइन और बहुत ही हॉनेस्ट फीडबैक जो ये दे रहे हैं, ठीक है, ये अपने खुले दिल से दे रहे हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमने यहाँ पर कोई प्री प्लान किया या किसी को स्क्रिप्ट दे दिया और स्क्रिप्ट पढ़ के बोल रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप थोड़ा सा बता दो, क्या मैंने आपको स्क्रिप्ट दिया है कोई, ठीक है, ये मतलब बोलते हैं ना, ये ऐसा हो गया है कि लाइक इवेंचुअली हमने क्रिएट किया स्टूडेंट के बोलने पर कि सर आज वीडियो बनाओ, हमारे दिलीप जी कह रहे थे सर वीडियो बना लो, इसीलिए हमने बनाया। और दिस इज नॉट एनी काइंड ऑफ प्री प्लान्ड वीडियो, ये बहुत ही जेन्युइन रॉ है जो हम आपको यूट्यूब के ऊपर दिखा रहे हैं। देखिए, यहाँ पे ऐसे कुछ प्री प्लान वगैरह कुछ नहीं है, हम लोग सब साथ में एक साथ यहाँ पे सब अलग अलग जगह से आके सीख रहे हैं, और जो हमको एक्सपीरियंस मिल रहा है यहाँ पे, जो एक्सपीरियंस किया हमने और जो नॉलेज मिल रहा है, उससे इतना कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि सब लोग, हमने ही रिक्वेस्ट किया हमारे सर को कि आप थोड़ा हमारा एक वीडियो बनाइए ताकि हम अपना फीडबैक शेयर कर सके, और जो जिन्हें ज़रूरत है इस इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने की, वो आके यहाँ पे करियर बनाए, इसलिए हमने खुद से हमारे दिल से हमने ये वीडियो के लिए हमने फीडबैक के लिए किया। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक बार सभी लोग इनके लिए भी ताली बजाइए जेन्युइन फीडबैक के लिए। ऑलराइट, तो अब हम हमारे अनदर स्टूडेंट के पास में आ चुके हैं, ठीक है, थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए, अपना परिचय दीजिए। सर मैं विवेक कुमार विश्वकर्मा, ओके, कैमरा वहाँ पर है, नागा कुमार से आता हूँ सर। तो ये मैं तो पहले से सीसीटीवी का काम करता था सर, लेकिन मेरे को बहुत सारी जानकारियाँ नहीं थी, तो मैं इसलिए आपके इधर ज्वाइन किया, और आपका सिखाने का तरीका और वो सब मेरे को अच्छा लगा, इसलिए मैं 3-4 महीने से
कंटिन्यू आ रहा हूँ सर यहाँ से सीखने। तो कहाँ से आ रहे हो आप? सर नाला सोपारा से। नाला सोपारा से आते, मतलब इनको भी आने के लिए अराउंड 45 मिनट आधा घंटा लगता होगा। यस 45 मिनट आधा घंटा इनको लगता है वहाँ से यहाँ पर ट्रैवल करके आने के लिए। तो आई होप सो कि उस हमारे नाला सोपारा से लेके बीच में, ठीक है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, लेकिन आपने फिर भी स्किल मुंबई ज्वाइन किया, उसके पीछे कुछ रीजन होगा, राइट? लेकिन किसी इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लेना है। राइट, यहाँ पे अपने को सर से प्रैक्टिकल 100% और थ्योरी भी 100% करने को मिलता है, इसलिए मेरे को ये अच्छा लगता है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बैठ जाइए। चलिए हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट है, ठीक है, और यहाँ पर जो है आप बोल सकते हो। यस, आपके बारे में बताइए। मेरा नाम प्रतीक पंगेरकर है, मैं अंधेरी से आता हूँ और मैंने जस्ट अभी लास्ट 2 वीक से मैंने ज्वाइन किया हूँ रिसेंटली। तो मैं पहले ZyCom CCTVs में काम कर रहा था, लेकिन बैक ऑफिस में काम कर रहा था। पर मुझे सोशल मीडिया पे स्किल मुंबई का बहुत सारे वीडियोस मतलब मिले, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं टेक्निकली कुछ कर सकूँ, तो इसके लिए मैंने स्किल मुंबई में आके इंक्वायरी किया और वहाँ पे आके अभी मैंने क्लासेस ज्वाइन किया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन्होंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, हार्डली मेरे को लगता है 2 लेक्चर हुआ रहेगा इनका, तो इनसे ज़्यादा हम फीडबैक की अपेक्षा नहीं करते। मैं चाहता हूँ कि इनका हम एक अनदर वीडियो बनाएंगे कभी फ्यूचर में और उस समय पर हम फीडबैक लेंगे, राइट? तो अभी मैं नहीं पूछने वाला क्लास कैसा चल रहा है, क्योंकि 2 लेक्चर में आई डोंट थिंक सो कि इनको उतना कॉन्फिडेंस आया होगा। ऑलराइट, चलिए बैठ जाइए, थैंक यू सो मच। ऑलराइट, तो अभी हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट, ठीक है, आप अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम सचिन है, मैं बोरेली से आता हूँ। मेरा एक्चुअली प्रोफाइल है बिल्डर से मिलना, सोसाइटी से मिलना। तो एक्चुअली तो मैं पहले मैं बिल्डर से मिलता था और वो लोग क्वेरी करते थे छोटे छोटे बारे में, तो मैं क्वेरी उनका सॉल्व नहीं कर पा रहा था। लेकिन ये क्लास ज्वाइन करने के बाद मुझे पूरा डिटेल में नॉलेज मिला, PTZ कैमरा क्या है, वेरी फोपल कैमरा क्या है, DVR, NVR। तो अभी मैं उनके क्वेरी सॉल्व कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन बिल्डर ने किया कि कितना मीटर वायर लगेगा, तो तब मुझे पता नहीं था, लेकिन लक्ष्मण सर के वजह से मुझे पता लगा कि ऐसे वायर उसका मेजरमेंट लेते हैं। तो पूरा मैं अभी पूरी तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पूरा मुझे डिटेल में नॉलेज मिल रहा है। तो लक्ष्मण सर जो है पूरा डिटेल में सिखाते हैं वायरिंग के बारे में, और यहाँ पे प्रैक्टिकल भी होता है, NVR, DVR पूरा। वो जब तक सेटिस्फाई नहीं होते तब तक वो स्टूडेंट से प्रैक्टिकल करवा के लेते हैं। तो पूरा डेडिकेशन है लक्ष्मण करके सर के साथ। ओके, थैंक यू सो मच। और दूसरा चीज, आप कहाँ से आते हो आपने बताया? मैं बोरेवली से। ओके, बोरेवली से ये ट्रैवल करके आते हैं, तो ये बहुत नियर अराउंड में ही है, मतलब इनको आने के लिए हार्डली 10-15 मिनट लगता होगा। यस, अराउंड 10-15 मिनट इनको लगता है, ठीक है। तो ओवरऑल आप काफ़ी दिन से क्लास कर रहे हो, राइट? आप CCTV कैमरे का, और आपने अपना एक्सपीरियंस भी हमको शेयर कर दिया, ठीक है, कि आपको ओवरऑल आपने क्या सीखा है और आपको ये ट्रेनिंग पैटर्न कैसा लगा है। आप अपने दिल से बताइए, ठीक है, हमारे जितने भी व्यूअर हैं उनको स्किल मुंबई ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है? आप गलत तो मेरे सामने तो ऐसा बोलोगे नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी आप जेन्युइन फीडबैक दीजिए। मैं जेन्युइन फीडबैक दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आके ना आपको डिटेल में नॉलेज मिलता है। ऑलराइट, जो है जैसे कि वेरी फोकल कैमरा है, कोई नहीं बता। और प्रैक्टिस का क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग लिखते हैं यूट्यूब के ऊपर कई बार कि सर थियरी मिलता है या प्रैक्टिकल मिलता है, तो अपना एक्सपीरियंस, क्योंकि आप यहाँ पर कर रहे हो ना, प्रैक्टिकल मिलता है या नहीं मिलता है? नहीं, प्रैक्टिकल तो 100% से ज्यादा मिलता है सर, ज्यादा प्रैक्टिस करवाते हैं। जब भी आप फील्ड पे जाओगे ना, तो आपको पूरा नॉलेज मिलेगा कि सर ने प्रैक्टिकल क्यों आता, तो अभी ये क्वेरी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ऑलराइट, देखिए ये जो फीडबैक भी दे रहे हैं ना, ये याद रखो, ये सब जितने भी लोग हैं हमारे स्टूडेंट, ठीक है, ये सब संडे टू संडे के लिए है, यानी कि अगर हम संडे टू संडे में इनके पीछे लगकर सारी प्रैक्टिकल और प्रैक्टिस करा रहे, तो डेफिनेटली जब आप रेगुलर बैच में आओगे तो उसमें आपको इससे और भी ज्यादा वैल्यू आपको डिलीवर होगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच आपका फीडबैक देने के लिए, बैठ जाइए, धन्यवाद। चलिए हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट के पास में हम आते हैं, खड़े हो जाइए। यस, थैंक यू सो मच। अच्छा, आप अपने बारे में थोड़ा सा परिचय दीजिए, आप कहाँ से ट्रैवल करके आ रहे हो, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मंगेश कमलाकर वानरकर है और मैं गोरेगांव आर्य कॉलोनी से आता हूँ। ओके, ग्रेट। अच्छा, कितना दिन हो गया आपको पूरा CCTV ज्वाइन करके? अभी 2 वीक्स हुए। ओके, 2 वीक्स हुआ है, मतलब हार्डली इनका भी 2 लेक्चर हुआ है, उससे ज्यादा नहीं, तो इनसे भी हम फीडबैक नहीं लेंगे अभी फिलहाल। आगे चल के कभी हम फिर से एक वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर मैं चाहता हूँ कि आप अपना फीडबैक दीजिए। ऑलराइट, और मैं चाहता हूँ कि उसी समय पर आपने क्या प्रैक्टिकल किया है, क्या क्या टॉपिक्स आपने सीखा है, वो सब चीज़ आप डिटेल में समझाइए। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, ठीक है, बैठ जाइए। ऑलराइट, चलिए यहाँ पर आते हैं हम हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट के पास में, ठीक है, इनको काफ़ी दिन हो चुका है और काफी दिन से अटेंड कर रहे हैं, तो आप बताइए प्लीज अपना अपने बारे में, कहां से आप ट्रैवल कर रहे हैं? सर, मेरा नाम मनीष कुमार है और मैं कांदिवली वेस्ट चारकोप से आता हूं। और मेरे एक फ्रेंड थे समीर सर, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि सर के पास आप जाइए सीखिए, आपको अगर नॉलेज चाहिए। मैं एक्चुअली डेस्कटॉप में था, मुझे सिर्फ थोड़ा
सीसीटीवी का नॉलेज वगैरह चाहिए था थोड़ा, तो उन्होंने बोला आप सर के पास ये बहुत अच्छा सिखाते हैं, और उन्होंने सीखा था, उन्होंने आपका रिकमेंडेशन दिया। ओके, तो मतलब ये रेफरेंस से आए अल्टीमेटली, ठीक है। तो रेफरेंस से आने वाले लोगों का एक ही चीज होता है, कहीं ना कहीं से बेटर फीडबैक उनको मिला है, या प्रीवियस में जिन जो स्टूडेंट हमारे यहाँ से सीख कर पास ऑन हो चुके हैं वही जो है रेफर करते हैं हमारे अनदर किसी स्टूडेंट को, और वो फिर यहाँ पर आते हैं। तो उन्हीं में से एक स्टूडेंट हमारे पास में यहाँ पर भी आए, आपका जेन्युइन फीडबैक दीजिए। सर मेरा जैसा समीर भाई ने बोला था वैसा ही है, जैसा उन्होंने बोला उससे भी अच्छा लगा मुझे इधर ज्वाइन होके। और आप हर एक चीज कंसेप्चुअली सिखाते हैं, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मतलब जब तक नहीं समझता तब तक सिखाते हैं, डाउट एनी टाइम। और इक्विपमेंट के बारे में क्या बोलना चाहते हो, लाइक कि मेरे पास में सब स्क्रैप इक्विपमेंट पे प्रैक्टिकल कराता हूँ, या सब जेन्युइन ओरिजिनल और नया फ्रेश इक्विपमेंट होते, कैसा क्या आपका एक्सपीरियंस क्या है? नहीं सर, मैंने देखा है जनरल और नए इक्विपमेंट्स में, ऐसा कुछ जूना उना मैंने तो नहीं देखा। हाँ, तो मैं ऐसे नाम नहीं लूंगा, ठीक है, लेकिन मैं बताता हूँ कि बहुत सारे लोग पूरे मुंबई में नहीं, महाराष्ट्र में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, उनके पास में इक्विपमेंट होते हैं, लेकिन उनके पास में लेटेस्ट इक्विपमेंट्स नहीं होते हैं, ठीक है, ट्रेनिंग देने के लिए। जैसे अभी मान के चलो मार्केट के अंदर एआई के बहुत सारे चीज़ें चल रही है, ठीक है, अभी इनका एआई के ऊपर सब्जेक्ट चालू नहीं हुआ है, इनको भी मैं थोड़ा नॉलेज दूंगा, क्योंकि अभी हमने रिसेंटली एआई के कुछ इक्विपमेंट मंगाए हैं, ठीक है, और ये सब लेटेस्ट इक्विपमेंट के साथ में इनको पूरा ट्रेन किया जाएगा, और फिर इनको फील्ड के ऊपर भेजा जाएगा जेन्युइनली, या कहीं पर जॉब करना है तो अपना जॉब कर सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच आपका फीडबैक देने के लिए। आप कहाँ से आए थे बताएं? कांदीवली से। अगेन अराउंड इनको भी आने के लिए आधे घंटे का समय लगता है। ऑलराइट, तो अभी हम नेक्स्ट स्टूडेंट के पास में जा रहे हैं, ठीक है, तो आप प्लीज अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, और कितना क्लास आप अटेंड कर चुके हैं अभी हमारे यहाँ पर? मेरा नाम प्रशांत विजय पावर है, मैं विरार से आता हूँ। ओके, मैंने सर का यूट्यूब पे वीडियो देखा था पहली बार, तो मुझे डाउट था, तो मैं सर से दो बार आके मिला, पहले राम सर से मिला था, फिर इनसे मिला था कि मुझे पूरा नॉलेज मिलेगा क्या कि नहीं। एक्चुअली मैं बायोमेट्रिक में काम करता हूँ। ओके, तो मुझे सीसीटीवी का नॉलेज चाहिए था। मैं फर्स्ट टाइम आके मुझे सर ने क्लास दिखाए, ये कैमरे दिखाए, जैसे जैसे मैं क्लासेस अटेंड करते गया तो मुझे और नॉलेज आते गया, और प्रैक्टिकल मुझे कभी, मतलब मैंने कभी वायर वगैरह देखा नहीं था अब तक, तो यहाँ से सर ने मुझे पूरा दिखाया कि कैसे वायर कट करते, कैसे ज्वाइन करते। उसके बाद मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ते गया, और मैंने बाद में एक भी लेक्चर मतलब मिस नहीं किया, मैं आते गया। जो भी मेरे पर्सनल काम थे मैं वो पीछे छोड़ता था, जैसे आज संडे के संडे कुछ भी काम रहते तो मैं वो कैंसिल करके ये क्लास में आता। ओके, ग्रेट। और यहाँ पे सब मतलब सर कुछ भी छोटा डाउट रहे तो सर तुरंत के तुरंत मुझे बता देते, अगर मैं आज उनको क्वेरी पूछता तो वो मुझे उसका आंसर बता देते कि ऐसा ऐसा मतलब ये प्रोसेस करना है। Right. और यहाँ पे आने के बाद मुझे एकदम मतलब अच्छा लगता है कि मुझे जो भी डाउट मेरा एक हफ्ते भर का रहता है वो संडे में मेरा क्लियर कर देते, जैसे मुझे कुछ क्वेरी पूछना हो तो सब तुरंत मेरे को बता देते। ऑलराइट, थैंक यू सो मच आपका जेन्युइन फीडबैक देने के लिए। और अराउंड आपको कितना क्लास हो गया अभी? अभी सर 2 मंथ्स हो गए। 2 मंथ्स हो गए, तो इनको भी 2 महीने से ज़्यादा अभी हो चुका है, ठीक है। और आई होप कि आपको सारी चीज़ें प्रैक्टिकली समझ में आ रहा है, राइट? यू आर वेल सेटिस्फाइड, राइट? ठीक है, बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, थैंक यू सो मच। ऑलराइट, चलिए अब यहाँ पर आते हैं हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट के पास में, ठीक है। प्लीज़ अपने बारे में थोड़ा सा परिचय दीजिए, ठीक है, और अभी हम कन्वर्जेशन 1-1 मिनट का रखेंगे, अदरवाइज ओवरऑल वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, राइट? तो चलिए फटाफट बताइए अपने बारे में। यस सर, मेरा नाम विक्रम कांबे, मैं विरार से बिलोंग करता हूँ। सर, मैं आपका वीडियो यूट्यूब पे देखा था, और मैं आपके पर्सनली आके मिला था कि सीसीटीवी बारे में क्या है, तो मैं 2-3 गूगल पे मैंने सर्च किया था, तो बॉम्बे में बहुत सारे क्लासेस है ऐसे सीसीटीवी के, बट मैं वहाँ पे नहीं गया क्योंकि यहाँ पे आपके साथ मिलने के बाद मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पे कुछ तो मिलता है मतलब सीखने के लिए, तो इसके लिए मैं यहाँ पे स्किल मुंबई ज्वाइन कर लिया। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। और आप विरार से आते हो? ओके, विरार से ये भी आते हैं, अराउंड इनको भी 45 मिनट ठीक है का समय लगता ही होगा ट्रैवलिंग करने में। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, ठीक है। और अभी आपको कितना क्लास हो गया यहाँ पर? 4 वीक। ऑलराइट, 4 वीक हुआ है, तो सब चीज़ें समझ में आ रहा है, हिंदी भाषा में सिखाता हूँ, सब समझ में आता है ना? ऑलराइट, थैंक यू सो मच, बैठ जाइए। ऑलराइट, तो अभी हमारे पास में कुछ न्यू स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और इनको भी एक क्लास हुआ है, अराउंड एक क्लास हुआ है, तो ज़्यादा कुछ सवाल नहीं करेंगे, बस बता दो आपका नाम और कहाँ से आप आए हो। मेरा नाम हर्ष सपट है, मैं अंबाड़ी से आता हूँ। अंबाड़ी कहाँ पर आएगी? भिवंडी। अंबाड़ी, ओके, भिवंडी में आया है, तो काफ़ी दूर से आते हैं, तो आने में कितना समय लगता है आपको? 2 घंटे ट्रैवल करके यहाँ पर आते हैं, और आई होप सो कि आपको मैं बेटर से बेटर वैल्यू आपको डिलीवर कर सकूँ आने वाले दिन में, ताकि आपका ये जो आना है ये पैसा वसूल हो। ऑलराइट, चलिए बताइए, कुछ और बोलना चाहते हो हमारे ऑडियंस को? ऑलराइट, थैंक यू सो मच, बैठ जाइए, ठीक है। चलिए आपसे बात कर लेते हैं हम यहाँ पर, तो बताइए हमारे ऑडियंस को आप कहाँ से आते हो?
अगेन ये भी सेम है एक्चुअली, भाई आप भाई हैं, ऑलराइट, ये दो भाई हैं और ये भी काफ़ी दूर से ट्रैवल करके आ रहे हैं, वहीं से लाइक भिवंडी राइट, वहाँ से ये ट्रैवल करके आते हैं। तो आपका ओवरऑल कुछ एक्सपीरियंस, आपने भी अभी एक ही क्लास लिया है तो ओवरऑल एक्सपीरियंस लेने से कोई मायने नहीं है यहाँ पर। ऑलराइट, बैठ जाइए, थैंक यू सो मच। क्या नाम बताया आपने? अजय पाटिल जी, ठीक है, याद रखना आगे इन दो का फीडबैक हम लेकर यूट्यूब पर डालेंगे। ऑलराइट, चलिए यहाँ पर आते हैं हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट के पास में। मेरा नाम राशिद हुआ, मैं मीरावट से आता हूँ। यहाँ पे मैं अभी जो भी सीखा बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं अभी दिशा में काम कर रहा हूँ कंप्यूटर लैपटॉप रिपेयर का, तो मैं बहुत सी जगह पे जाता हूँ तो मुझे सीसीटीवी का रिक्वायरमेंट आता है, तो मैंने भी बहुत सारा सर्च किया इंस्टीट्यूट, तो मुझे कहीं पे समझ में नहीं आया, तो मैं यहाँ पे आया, तो यहाँ पे आया मैं नेक्स्ट संडे को आया था। अभी मेरा ये दूसरा क्लासेज है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं भी बहुत जो भी सीखा बहुत अच्छा लगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच आपका फीडबैक देने के लिए, एक बार इनके लिए भी ताली हो जाए सभी लोग। ऑलराइट, तो ये हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट है, ठीक है, संडे टू संडे क्लास को इन्होंने ज्वाइन किया है और आप काफी लेक्चर्स आपने अटेंड किया, तो मैं चाहता हूँ एक मिनट के दौरान फटाफट फास्ट ट्रैक में आप बताइए कि आपको क्या क्या सीखने मिला है। पहले तो बताइए कहाँ से आप आए हो, आपका नाम क्या है बताइए। मेरा नाम कमलेश कुमार है और मैं अंधेरी वेस्ट से आया हूँ। मैं दो महीने से सबके पास क्लास आ रहा हूँ, बाकी मैंने उससे एक दो महीने पहले से ही मैं यूट्यूब पे बहुत रिसर्च किया कि कहाँ क्लास करूँ कहाँ नहीं। मुंबई में तीन चार क्लास मैंने देखा, लेकिन मैं सबका वीडियो देखा, लास्ट में मुझे फाइनल हुआ कि मुझे सर के पास ही करना है, क्योंकि सर का सिखाने का तरीका बहुत अच्छा है और यहाँ आने के बाद मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला है। मुझे लगता है कि यहाँ से सीखने के बाद मैं ग्राउंड पे कहीं भी काम के लिए जाऊंगा तो परफेक्टली काम कर सकता हूँ। और क्या कहते हो कि आपका खुद का एक्सपीरियंस क्या है, यहाँ पर जितने भी व्यूअर्स अभी देख रहे इनका पैसा वसूल होगा यहाँ पर आने के? 100% वसूल होगा। ऑलराइट, यहाँ आने के बाद सेटिस्फाई होकर जाएंगे, किसी को कोई डाउट नहीं रहेगा कि मैंने वहाँ क्यों गया, मैं यहाँ आने के बाद उनको लगेगा कि मैं सही जगह पे गया। और अभी तो क्लास चल रहा है, ठीक है, अभी तो क्लास काफी चालू है इनका और अभी लाइक जेन्युइन फीडबैक्स हमारे पास में आ रहे हैं, ठीक है, और आई होप सो कि ये पूरा क्लास होने के बाद में आपके पास उतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि आप फील्ड पे उतर करके अपना खुद का प्रोजेक्ट कर सको। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, बैठ जाइए, ठीक है, थैंक यू सो मच। ऑलराइट, तो अब हम हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट के पास में आते हैं, ठीक है, और ये काफी रेगुलर होते हैं क्लास के अंदर, और दूसरा इनका सबसे बेहतर मुझे ये लगता है क्लास के अंदर कि ये नोट्स काफी बेहतर बनाते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आपका नोट दिखाइए मुझे। ऑलराइट, तो ये काफी बेहतर तरीके से हमारे बैच में ना ऐसे बहुत सारे बैचेस लेता हूँ, सारे बैच की तो नहीं बोलूंगा लेकिन कुछ कुछ ऐसे बैचेज होते हैं जिनमें इनकी तरह स्टूडेंट निकलते हैं जो एक यहाँ पर जो पढ़ाया जा रहा है वो यहाँ पर रफली वो नोट करते हैं लेकिन घर पर जाकर मेहनत करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत अच्छी तरीके से कलरफुल एकदम नोट बनाते हैं और ये नोट का फोटो मैं खुद लेने वाला हूँ एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है, मैं खुद अपने पास में रखूंगा ताकि मुझे ये समझ में आए और मैं लोगों को बता सकूं कि आप कितना बेहतरीन नोट आप बना सकते हो। ऑलराइट, और यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट है अगर नहीं पता है किसी को भी अगर नोट चाहिए होगा तो हम जो आपको ये नोट देते हैं वो तो देते ही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप भी इनका फोटो लेके रख सकते हो ताकि लेकिन देखो फोटो लेना एक अलग चीज होता है, खुद से ही लिखना एक अलग चीज होता है, फोटो लेने के बाद अपने अपने बुक में नोट करना। ऑलराइट, तो अभी आप बताइए थोड़ा सा अपने बारे में, यस, कहाँ से आप आए हो और आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्बास आलम है, मैं महेंद्र से आता हूँ। एक्चुअली सर को मैं 2021 से फॉलो कर रहा हूँ, मतलब लॉकडाउन के टाइम पे मुझे काम नहीं था तो एक्चुअली फिर सर का मैंने एक क्लास ज्वाइन किया था 99 क्लास, ओके, 99 रुपीज में 3 दिन का क्लास था, ऑनलाइन था, ओके, फिर वो सीख करके मैंने काम भी चालू किया एनालॉग का, वहाँ पे 2-3 साइड मैंने उस पर काम भी किया था, उसमें मैंने पैसे भी अर्न किए थे, ओके, तो फिर मुझे देखना था कि और अच्छा कैसा हो सकता है, तो फिर सर का क्लास ज्वाइन किया है, मेरे अंदर में भी है क्लास लेकिन सर की बातों से काफी चीजें मुझे समझ में आई तो फिर मैंने सर का ज्वाइन किया, काफी अच्छा सर का सिखाने का अच्छा और कोई भी चीज डिटेल में सिखाते हैं और अच्छी तरह जब तक आप सेटिस्फेक्शन नहीं आता तब तक सिखाते हैं, मतलब आगे नहीं बढ़ते हैं, तो वो चीज सर की काफी अच्छी लगी। ऑलराइट, थैंक यू सो मच आपका जेन्युइन फीडबैक देने के लिए और जैसे मैंने आपको कहा कि इन्होंने 3 दिन का मेरा ऑलरेडी क्लास अटेंड किया था तो डेफिनेटली उसमें उनको वैल्यू उस लेवल पर डिलीवर हुआ होगा, इसी वजह से उनको लगा कि अगर हम 3 दिन के अंदर इतना कुछ दे सकते हो डेफिनेटली पूरे 2 महीने की जर्नी में आप बहुत कुछ सीख सकते हो। और सर ऐसा लगता है कि संडे कब आएगा? ऑलराइट, तो इनको ऐसा लगता है कि संडे लाइक कब आएगा और लोग एक्साइटेड होते हैं हमारे क्लास के लिए, बहुत सारे लोग मेरे को खुद क्लास में कहते हैं कि कब संडे आएगा और हमको पूरे वीक लोग काम करते हैं
और संजय को आराम करना चाहिए, लेकिन मैं 8 बजे जल्दी से उठ के फ्रेश होकर यहाँ पे मैं आधा घंटा पहले आ जाता हूँ, क्योंकि क्या है सीखने का मजा जो है वो अलग है और आपका सिखाने का जो स्टाइल वो काफी अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच आपका जेन्युइन फीडबैक देने के लिए। ठीक है, तो अब हम आखिरी हमारे स्टूडेंट के पास में जा रहे हैं और इन्होंने बहुत मेहनत किया है हमारा कैमरा हैंडल करने के लिए। ऐसा इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ बिकॉज संडे का बैच होता है, ठीक है, हमारी टीम अवेलेबल नहीं होती है, ठीक है, हमारी ना तो एडिटिंग टीम होती है ना तो जो कैमरा हैंडल करते हैं वो भी यहाँ पर नहीं होते, संडे को हम छुट्टी देते। ये स्पेशल बैच होता है जहाँ पर मैं सिर्फ अकेला यहाँ पर इस क्लास को लेने के लिए कंडक्ट करने के लिए यहाँ पर आता हूँ, ठीक है, और हम ओवरऑल हाफ डे काम करते हैं यानी कि 3 से 4 बजे तक हम ओवरऑल यहाँ पर रहते हैं। और अगर आप में से भी कोई भी व्यक्ति, ठीक है, हमारे इस क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं यहाँ पर प्रैक्टिकली हैंड्स ऑन आकर एक एक इक्विपमेंट के ऊपर सीखना चाहते हो, करना कुछ भी नहीं है, देखो अभी आपको तुरंत एडमिशन लेने के लिए नहीं कह रहा हूँ, नीचे काउंसलर का नंबर फ्लैश हो रहा होगा, इस नंबर पर आप कॉल करिए, अपकमिंग बैच के बारे में पता करिए, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि आप आज कॉल कर रहे हो तो आज ही आपको बैच मिल जाएगा। हमारे बैचेस रेगुलर में संडे टू संडे में, सैटरडे टू सैटरडे भी हमारे कुछ बैचेस चलते हैं जो ऑलरेडी बन चुके हैं, फुल है, तो आपको उसके आगे के जो बैचेस है उनके लिए आपको अपकमिंग बैच के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा या बुक करके रख सकते हो ताकि वो सीट आपको अलॉट कर दिया जाए। ऑलराइट, चलिए आखिरी स्टूडेंट के पास में जाते हैं और फिर इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे। राइट, तो अब हमारे आखिरी स्टूडेंट निर्मल मिश्रा जी, ठीक है, इनको हम भूल नहीं सकते, आप बताइए, चलिए अपने बारे में बताइए थोड़ा सा। मेरा नाम निर्मल मिश्रा है, मैं घर ऊपर आता हूँ और मैं एक इंटरनेशनल स्कूल में काम करता हूँ एज अ सिक्योरिटी ऑफिसर। मेरा कलीग माहिंग नाइक, उन्होंने मुझे स्टूडेंट के बारे में बताया था, तो उसके बाद मैं संडे को विजिट मारा, फिर राम सर से मिलने के बाद फिर लक्ष्मण सर से मिला, फिर उसके बाद एवरी संडे मैं आता हूँ यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए। और उसके बाद मेरा और एक काम रहता है कि मैं जहाँ पे कुछ करता हूँ वहाँ पे बहुत सारा आरंडी करता हूँ, तो मैं जहाँ पे काम करता हूँ इंस्टीट्यूट में स्कूल में, तो वहाँ पे और भी लोग है जो सीसीटीवी का ट्रेनिंग करते हैं, तो जो इनका लक्ष्मण सर का जो सिखाने का तरीका है वो बहुत अलग है और बहुत पॉजिटिविटी तरीके से सिखाते हो, क्योंकि जब मैं सामने वाले से कुछ क्वेश्चन करता हूँ तो उनके पास आंसर नहीं रहता जो अलग इंस्टीट्यूट में सीख के आते हैं। तो इसके लिए मैं अपना पर्सनल ओपिनियन देना चाहूंगा कि अगर जो भी कोई इस फील्ड में काम करना चाहता है तो वो स्किल मुंबई ज्वाइन करे और यहाँ पे जो है आके वो क्लास ज्वाइन करे, करे यहाँ पे ट्रेनिंग करे, आपका पैसा वेस्टेज नहीं जाएगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच निर्मल जी। ऑलराइट, तो जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट है, ठीक है, सभी लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद बोलता हूँ, आप लोगों ने अपना जेन्युइन फीडबैक हमारे साथ में शेयर किया है और इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि आगे मैं अपना 100% और भी ज्यादा वैल्यू डिलीवर करूँ, क्योंकि मैं हमेशा एक ही प्रिंसिपल पर काम करता हूँ एंड दैट इज वन कि कोई व्यक्ति अगर मुझे 1000 रुपए देता है मैं 1,00,000 रुपए की वैल्यू डिलीवर करने की कोशिश करता हूँ एंड दैट इज द ओनली प्रिंसिपल जिसके ऊपर मैं काम करता हूँ। इसी वजह से लोग हमारे साथ में कनेक्ट होते हैं, लोग हमारे साथ में जुड़ते हैं, ठीक है, तो इट्स नॉट अबाउट ओनली मनी, ठीक है, इट्स अबाउट द वैल्यू डिलीवरी, राइट। और तो इसी तरीके से हमारा क्लास चलता है और आज के डे में हमने आपको मिला दिया सारे स्टूडेंट के साथ में कि कौन कौन कहाँ से आता है ट्रेवल करके और उनका फीडबैक क्या है। अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करना चाहते हो नीचे अभी भी नंबर फ्लैश हो रहा है, उस नंबर पर कॉल करिए, अपकमिंग बैच के बारे में पता करिए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, ऑलरेडी ये वीडियो काफी बड़ा हो चुका है। अगेन दिस इज लक्ष्मण साइनिंग आउट फॉर द डे, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन माय अनदर ट्यूटोरियल, बाय बाय, धन्यवाद।